नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक की विद्युत करंट के चपेट में आने से मृत्यु हो गई। संवाददाता डब्ल्यू गोस्वामी। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को खेत पर बने देवी देवताओं के चबूतरे की सफाई कर रहा एक 32 वर्षीय युवक विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिसे परिजन बाड़ी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल के शव गृह में रखवाया, जहां आज शनिवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव रुंधा का पुरा निवासी 32 वर्षीय सीताराम पुत्र गुट्टी राम कुशवाहा अपने खेतों पर बने देवी देवताओं के चबूतरे की सफाई कर रहा था, तभी अचानक चबूतरे के पास लगे लोहे के विद्युत पोल की चपेट में आ गया, जिसे परिजन बाड़ी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। क्या मामला है? कल दिनांक 26/6 शाम को 7 बजे के करीब की घटना है। एक व्यक्ति रुंधेपुरा में बिजली से चिपक कर खत्म हो गया, जिसका नाम सीताराम सनव गुट्टी कुशवाहा निवासी है रुंधकापुरा की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश सुपुर्द परिजनों को दी गई है। तो ऐसे ही नई नए ताजा अपडेट के लिए बने रहिए आवाज इंडिया न्यूज पर। अगर आप आवाज इंडिया न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।